अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल भाई बसाना गांव में हूं मैं, रोहतक जिले का गांव है बसाना, और बसाना पहुंचा हूं तो कोई खास इवेंट होगा। एक बार मेरे पीछे कैमरामैन से कहूंगा भाई ये दिखा दो, एक कबड्डी मैच बिल्कुल तैयार, खिलाड़ी अपने कोर्ट में हैं, दोनों टीमें अपने अपने कोर्ट में तैयार बर तैयार खड़ी हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा खास इवेंट क्या है। एक एकेडमी हुआ करती रोहतक में, शहीद भगत सिंह गर्ल्स कबड्डी एकेडमी में, वहां गया था मैंने, उनकी वीडियो भी शूट करी थी, काफी वायरल भी हुई थी। अब उनका बिरानी के मनमाई, उन्होंने अपनी जगह बदल दी और वो पहुंच गए बसाना गांव में ऋषिकुल स्कूल में। ऋषिकुल स्कूल में भी आए हुए उन्हें एक साल हो गया और देखो हर कोई जन्मदिन मना रहा है, इसका भी स्थापना दिवस है, आज एक साल हो गया इन्हें। और मैं आपने बताना चाहूंगा पूरी शहीद भगत सिंह जो गर्ल्स कबड्डी टीम है, जो यहाँ के टीचर हैं, मेरा मतलब कोच हैं या मैनेजमेंट हैं, तो और चीफ गेस्ट हैं, सब यहाँ मौजूद हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा भाई दर्शक भी हैं, आप देख लो मैच का आनंद लेने के लिए दर्शक भी आए हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जो मौजूद हैं, सबसे पहले महिला जो शक्ति है, जो मातृ शक्ति जिसको कह सको आप, उनसे आपकी बात कराऊंगा, क्योंकि ना कराऊंगा तो रोड़ा मार जाएगा, नुकार लेडीज फर्स्ट। नमस्ते जी। नमस्कार जी। भाभी जी घर पे हो? हाँ जी। ठीक हो? ठीक है, खड़े हो जाओ, कृपा कर कहीं तो नहीं, कृपा कर दो। तो आज कब से आए हुए हो? हम 4 बजे से आए हुए। पूरा मजा लिया है? मजा लिया। खाया पिया भी क्या? अपना है खाना पीना सब कुछ अपना है। तो किसी चाल रही है कबड्डी एकेडमी? एक नंबर की बात करी है छोरी, एक नंबर की। अच्छा आज खान पीने का मौका है, जब जब आए हो या पहले भी आया करते? न्यू ला लियो, अब तो मैं 3 चक्कर दो साइंस है। कोई एक खास खास कती एक क्वालिटी शहीद भगत सिंह गर्ल्स कबड्डी एकेडमी में आपको क्या लगी? खास बात तो न्यू है, कोच साहब इतने बढ़िया है, एक नंबर की बेटी है न्यू ला लियो, इसी सी बेटी सबके पैदा होनी चाहिए। कौन सी है? यह है ये कोच। जानू मैं इसने। नमस्ते भाभी। नमस्ते। ठीक हो ना? अब ये शर्मा जी यहाँ आए हुए हैं, एक बार सर प्लीज। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं चाहूंगा एक बार जो हमारे दर्शक हैं उनको अपना परिचय प्रॉपर दो, आप कौन हो? भाई साहब योगेश शर्मा नाम है, हिसार से हूँ मैं, और स्पाइन कबड्डी लीग का मैं संचालक हूँ। स्पाइन कबड्डी लीग करवाते हैं हम, लड़कियों की 2 सीजन करवाए हैं, अभी 3रा सीजन करवा रहे हैं लड़के लड़कियों दोनों का। जी जैसे आपने काफी एक्सपीरियंस है इस तरह की लीग्स करवाने का, तो जो ये इतना बड़ा नाम लिख रखा है शहीद भगत सिंह गर्ल्स कबड्डी एकेडमी, क्या आपकी लीग में कभी इनके जो स्टूडेंट है यहाँ की जो खिलाड़ी हैं या उनका कोई रोल रहा है? लीग 5 साल में 2 सीजन करवाई हमने, और मैं मानता हूँ जितनी मेहनत मेरी है उससे ज्यादा जो यहाँ की कोच है मोनू और निधि, उन दोनों की मेहनत में मेरी लीग में ज्यादा मानता हूँ। और पिछले 4 महीनों में वैसे हम कबड्डी के प्रोग्राम में बहुत कम जा पाते हैं, 6-8 महीने तो ट्रायल चलते हैं लीग के, 3 से 4 महीने करवाने का प्रोसेस होता है, लेकिन इस एकेडमी में पिछले 4 महीनों में 3री विजिट है हमारी। क्योंकि क्या खास लगे अपना? बच्चों की मेहनत और इनके जो कोच हैं निधि और मोनू, उनकी लगन, उनकी मेहनत और बच्चों के साथ जो इनका व्यवहार है, वो एक पारिवारिक माहौल इस एकेडमी में जो हमने देखे, ये खास वजह है कि पिछले 4 महीने में 3री बार हम इस एकेडमी में आए हैं। थैंक यू जी शर्मा जी। अब कुछ और हमारे साथी यहाँ पे आए हुए हैं, मैं मिलवा देता हूँ अपने सबसे पहले भाई हमारे नेताजी हैं, युवा साथी हैं, हरिंदर कटारिया भाई साहब, राम राम, खड़े हो जाओ। राम राम पवन भाई, और अभिमन्यु मूवी देखने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्कार। भाई पिछले 1 साल से जब इन 2 लड़कियों ने यहाँ पर खेल अकेडमी शुरुआत करी थी, और मन ने जब पता लगा तो सबसे बड़ी खुशी तो इस बात की हुई कि खासकर लेडीज और इस देश की, इस हरियाणा की जो बेटियां हर कदम पे आगे आ रही हैं वो सबसे बड़ी बात है। उसी कड़ी में इन 2 बेटियों ने जो यहाँ जो कबड्डी एकेडमी शुरू करी, आसपास में इनकी इस बात की काफी चर्चा है, वो जो लगातार खेल के प्रति जो उनकी निष्ठा है, जो लगन है, जो समर्पण भाव है, उससे हम काफी प्रभावित हैं, और समय समय पर हम आते रहते हैं। मेरे साथ में दूर से भी जैसे समर गोपालपुर गांव से सील भाई आए हैं, बहू जमालपुर से हंसराज जी आए हैं, वो इनकी जो मेहनत है वो यहाँ खींच के लाई है। और मैं तो जो दर्शक साथी हूँ सबसे अपील करना चाहता हूँ कि जो अपने बच्चों का भविष्य खेल में उज्ज्वल करना चाहते हैं
और दूसरी जो आज के दौर में जो बुराई है उनसे अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं वो इस भगत सिंह खेल अकेडमी में जरूर से जरूर आए और अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए वो यहाँ फायदा उठाए। राम राम भाई साहब। राम राम। सब भाइयों ने राम राम। पहले भाई पवन मोखरा की ओर से भी, भाई ये हमारी बेटी हैं, बहन हैं, इन्हें एकेडमी खोल ली है, बहुत अच्छा काम किया है, हमारी बेटियां यहाँ खेलेंगी, सुरक्षित रहेंगी, धन्यवाद। राम राम जी साहब। राम राम। राम राम भाई साहब। क्या नाम भाई साहब? सतीश कुमार है भाई, सांबड़ गांव है। जी जी, ठीक हो, स्वस्थ हो? बिल्कुल स्वस्थ है। जैसे पहले ना हम लड़कियों को घर से बाहर निकालते वक्त सोचा करते खिलाड़ी बैठी है हमारे साथ, आप देख भी इसको घुमा दे भाई। नरेंद्र जी बहुत पहले इंटरनेशनल हुई है और तोड़ कराया है, मैं उनके बारे में बाद में बताऊंगा। भाई साहब पहले ड्रा करते अपनी बाण बेटियां ने करते बाहर काट देना, आज शहीद भगत सिंह कबड्डी अकेडमी में आपने इन्वायरमेंट देखा है, कितनी सेफ है यहाँ पे हमारी बेटियां? बहुत ही सेफ है। पहले पुराने विचार के लोग तो लोग होया करते, वो सोचा करते भाई घर पे ही ठीक है, पर आजकल पढ़ा लिखा जमाना है तो इससे बहुत आगे बेटी आगे आई है और आजकल बहुत ही सेफ है। राम राम भाई। राम राम भाई। बहुत बढ़िया अकेडमी है भाई, सारे भाई आओ भाई, अपने बड़का ने भेजो भाई, बढ़िया अकेडमी है भाई। राम राम। राम राम भाई। नमस्ते अंकल जी, ठीक हो ना? ठीक है। दर्शक भी आए हैं छोटे छोटे बच्चा ने लेकर मैच देखने, सबसे बहन जी राजी हो? रोज मैच देखना है, रोगा जो बुला रखी हो रोज डेली? अच्छा, इन मतलब तो तगड़ी खिलाड़ी कौन सी है बहन जी, बताइयो। रोज मैच देखो तो सारी बढ़िया है? हाँ, कती डेली आओ हो, मतलब साज ने चुग लिया तो बचकर टाइम पास करना आ जाओ। बढ़िया खेल रहे हैं, जे दिन रात अपनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, सुबह शाम आओ। नमस्ते बहन जी, सारिया ने राम राम है। तो अब मैं यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, यहाँ जो सीखना है कबड्डी खेलना, उनसे आपकी मुलाकात करवाऊंगा। लाइन अप हो जाओ बेबे, सारी आ जाओ लाइन में। सबसे पहले सारी बना ने, सारा ने, जितने भी तुम हो सब तक मेरी राम राम है। हाँ बेबे, क्या नाम है? पिंकी सर। पिंकी, क्या लगा है, सेफ है यहाँ पे? कोई हाँ, दिक्कत नहीं है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। रोटी किसी की मिल जाए? बढ़िया मिल। 250 रात में? हाँ। पक्का? पढ़ा खड़ा है पूरे? तो लगा है एक बेटी के लिए सेफ जगह है? हाँ बिल्कुल सेफ जगह है। अच्छा, कोचिंग किसी मिला है? बहुत बढ़िया मिला है। कहाँ से हो आप? कैथल डिस्ट्रिक्ट से। दूर आई बेबे? हाँ बेबे, क्या नाम है? साधना। साधना तो पहले अभी मिली थी मृत है ना, याद है ना? हाँ। तो कौन से गांव की हो? एरी, झज्जर जिला। हाँ। दीपू एरी, सुरेंद्र नाड़ा, उसके गांव से आप है ना? हाँ। तो एरी को तो बहुत सारे सुपरस्टार पहलवान हुए, रामबीर एरी एक ऐसा स्टॉपर हुआ है कबड्डी में, सर्कल कबड्डी में, जिसने बगन कराया है। तो किसी खेल है तुम, उसका लो दो के मैं पकड़ रही है कि नहीं? पकड़न की कोशिश है। बढ़िया खेल है, सुरेंद्र वाला कॉर्नर खेल रहा है। हाँ। अच्छा, तो बहन जी कितने दिन से हो यहाँ पे? एक साल हो गया। क्या मैं सीखा? हाँ। कोच किसे हैं? बढ़िया। तुम कहाँ हैं? गलती करेंगे तो धमकाओगे। अच्छा। हाँ भाई, क्या नाम है? प्रीति। कहाँ से आई है? ऐसे गाँव। फिर तो जी सा रहा है जब आ जाए। मजा आ रहा है, सही जगह है। क्या कहोगी बेटी जो अपने गाँव की गवांड की जो और बेबे उन तक क्या कहोगी? आना चाहिए? आना चाहिए बिल्कुल। बिल्कुल, मैच खेलने तैयार है? कती तैयार है बेबे। क्या नाम है? शिक्षा। शिक्षा, शिक्षा ली है क्या? खेल रही है, किसी खेल होता? सही से। सही खेल रहा है, कौन सी क्लास में है? 10th। यहाँ की है तू भी? यस सर। ठीक। हाँ भाई रे, तू छोरी आईलैंड में क्यों खड़ा है भाई? ना दिला नहीं। अच्छा, तो सारे छोरे हो? 38। तो आड़े ये छोरे भी सीखना हो जी? ये हैं जी छोटे बॉयज। चलो कोई ना। आए, क्या नाम है? तन्नू। तन्नू कौन से काम की है? बसाना। बसाना की? तो किसी की अकेडमी है? बढ़िया। बाहर की छोरी अगर आम है तो किसा लग रहा है? आना चाहिए? आना चाहिए। तो जगह दिक्कत तो नहीं है ना? आए, दिक्कत है ना जी? कौन सा काम की तुम? लखनऊ से। इतनी दूर था? वो मजा आ रहा है घर की यादव है? नहीं आती है? आती है जी। आती है, कितने दिन में चली जाती है? 2-2.5 महीने। वैसे सेफ जगह है? हाँ जी। खाना किसान मिला है? अच्छा। पीजी मतलब सोने के लिए रात नमाज रखा जाते होंगे? ना जी, कूलर पंखा है। कूलर पंखे हैं। हाँ गुड़िया, क्या नाम है? हिमांशी। कहाँ से हो आप? पोखरा है, हमारा गांव की है। सही है ना? किसा किसकी है तू? मुखर मत है? मैं संदीप। संदीप बुलवीर। अच्छा, तो डेली आना जाना है? अड़े रहे यहाँ पे? अड़े रहे।
सही जगह है। हाँ। देखो आपां तो मुखर गए हैं, अगर बढ़िया रोटी ना देंगे तो तू बाज के काम खाया होगी लेकिन बाहर गए बेचारी लखनऊ वाली की जागी तो जगह किसी है अच्छी है, खाना सही मिल रहा है। हाँ भाई सही तो, कहाँ से हो आप? मैं दिक्कत है, इधर उधर दूर नहीं है लेकिन इन्वायरमेंट अच्छा है, जगह बढ़िया है। हाँ। कोचिंग किसी दे हैं? कितनी में एक्सरसाइज डेली? छकले है पति। कोच यहाँ की जो मुख्य कोच है जो इन तक कबड्डी खेलनी सिखाओ, मैं अपना बताना चाहूंगा काफी त्याग करे हैं इस बहन ने और उस त्याग की बदौलत आज ये लाइन लग रही है इनके पास स्पोर्ट्समैन की खिलाड़ियों की। नमस्ते बहन जी। नमस्ते सर। परिचय दो अपना। मैं मोनू जाखड़ फ्रॉम झज्जर डिस्ट्रिक्ट। बहन जी वहां भी हम मिले थे जब आपकी रोहतक अकेडमी थी ओमैक्स के बैक साइड में जी, तो यहाँ क्यों आ गए? वहाँ थोड़ा सा अगर हम किसी को ये बताते हैं कि हमारी एकेडमी रोहतक में है तो रोहतक में है अभी भी कुछ फैमिलियाँ जो बैकवर्ड हैं, गांव भी हैं कुछ ऐसे, तो जिनको हमने ये बताया कि रोहतक है तो ये बोले कि रोहतक तो हम नहीं भेजेंगे। टांग खींच ली उन्होंने? बिल्कुल टांग खिंचाई कर दी जी, और इसलिए हमने गाँव का माहौल चुना। तो अब यहाँ? यहाँ बिल्कुल अच्छा है, आप देख सकते हो दाई बाई पार्क भी है हमारा, वहाँ ट्रैक भी है, यहाँ ग्राउंड है, ऊपर हमारा हॉस्टल है। जैसे उस दिन भी बात हुई थी शादीवादी करवाई के करया? ना जी शादीवादी कुछ नहीं बे, यो त्याग कतिटाल है सोची है कि ना जी सोचना भी नहीं शादी के बारे में, यो त्याग रखना है बिल्कुल, ऐसा सब कुछ कबड्डी को दे दिया बिल्कुल जी जी जान बिल्कुल। अच्छा एक बेटी अगर आपके पास हॉस्टल में यहाँ आपकी पीजी में रहती है यही अकेडमी में सोती है उसका क्या खर्च होता है? 5,000 रुपए है जी। क्या मतलब उसकी नीड क्या रखती है? प्रैक्टिस है जी, 3 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम को जाती है और 2 घंटे दिन में जिम है और डाइट भी है, एक स्पोर्ट्स डाइट है, तो उनका खर्चा टोटल और टोटल 5,000 रुपए है, रहना खाना पीना प्रैक्टिस सब कुछ जिम सारी चीज आ जाती है जी 5,000 में। मात्र 5,000 रुपए में आप भगत सिंह शहीद भगत सिंह गर्ल्स कबड्डी एकेडमी में आप अपनी बेटी को भेज सकते हो, लेकिन जब भी कोई बेटी को भेजने की बात करता है ना तो सबसे पहले उसके माइंड में आती है सिक्योरिटी, क्या उसकी बेटी सेफ रह पाओगी? यहाँ मैं 24 घंटे इन लड़कियों के पास हॉस्टल में ही रहती हूँ और हर तरफ इस बिल्डिंग के हर तरफ आप देखोगे तो आपको सीसीटीवी कैमरे नजर आएंगे और 2 हम यहाँ लेडीज स्टाफ हैं और दोनों हम यहीं पे रहते हैं, 24 घंटे में से 1 मिनट भी ऐसी नहीं होती कि हम कहीं बाहर चले जाएं। स्कूल वगैरह यहीं पे इसी में एडमिशन? हाँ बिल्कुल यहीं है जी सबका। तो मतलब सेफ समझे? बिल्कुल सेफ है जी। तो संपर्क सूत्र? बसाना गाँव है जी, मोखरा रोड पे ऋषिकुल स्कूल। कॉन्टेक्ट नंबर नीचे स्क्रीन पर चला दूं? बिल्कुल चला दूं। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं जी। तो भाई कोई भी अपनी बेटी को अगर इस कबड्डी एकेडमी में भेजना चाहे तो स्क्रीन पर जो नंबर मेंशन है वो यहाँ के मैनेजर का नंबर है, आप संपर्क करो, कॉल करो, प्रॉपर तसल्ली करो। अगर आपने ये लग गए कि भाई शायद शहीद भगत सिंह गर्ल्स कबड्डी एकेडमी आपकी बेटी के लिए सेफ और सही है तो आप अपने बच्चे को यहाँ भेज सकते हो। आप आके देखो, आप प्रॉपर हॉस्टल देखो, ग्राउंड देखो, मेहनत हो रही है नहीं हो रही है, एक एक चीज देख कर मैं तुम भाई कत्ती एक एक चीज कबड्डी बारीकी से जी कबड्डी कबड्डी नहीं लड़कियों की फिजिकल की तैयारी भी आप देख सकते हो, पीछे वो लड़की फिजिकल की तैयारी कर रही है। ओहो। दिल्ली पुलिस हरियाणा पुलिस आर्मी गारंटी है? कोई बिल्कुल गारंटी है जी, नहीं बिल्कुल गारंटी है, फिजिकल की गारंटी है जी। फिजिकल क्लियर करा दोगे? बिल्कुल क्लियर। लो भी एक और इन्होंने वो कर दिया साथ के साथ, अगर कोई भी अपनी बेटी को फौज या पुलिस में लगवाना चाहता है और उसका फिजिकल फिट नहीं है, कोई कमी है, तो आप इस अकेडमी में भेज सको हो, उसकी तैयारी की भी गारंटी कोच साहब ने ली है। नमस्ते भाई, सारे भैया ने राम राम है और मैं चाहता हूँ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि बेटियां इस वीडियो को देख सकें और यहां तक पहुंच सकें। राम राम भाई, सारे भैया ने जय हिंद जय हरियाणा।